ये क्वेश्चन फोर्थ बी सेकंड वन टू मार्क्स के लिए पूछा था. तो वाई इज इक्वल्स टू है टैन ऑफ लॉग एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, राइट. हमने जस्ट इसको मॉडिफाई किया और इसको डिफरेंशिएट करना है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा. तो जैसे एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, ऑब्वियसली यहाँ पे चेन रूल लगेगा. देखो टू टाइम्स टैन ऑफ लॉग एक्स क्यूब इंटू, अब देखना यहाँ पे ये फंक्शन का हमने डेरिवेटिव कर लिया, उसके बाद हम करेंगे टैन लॉग एक्स क्यूब यानी कि इसका डेरिवेटिव टैन लॉग एक्स क्यूब का. तो टैन ऑफ एफ ऑफ एक्स का आएगा सेक्स स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब इंटू, राइट. टैन का अब हो गया, अब उसके बाद होगा लॉग एक्स क्यूब का, तो ये होगा लॉग एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इंटू लॉग एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा वन अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, फिर लॉग ऑफ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स क्यूब, तो वन अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव डेट इज थ्री एक्स स्क्वायर, राइट, विच इज इक्वल्स टू अभी हो जाएगा. अब ऑब्वियसली यहाँ पे अपन एडजस्टमेंट करेंगे तो ये क्यूब ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, ये थ्री इंटू टू हो गया, तो ये सिक्स बाय एक्स टैन ऑफ लॉग एक्स क्यूब इंटू सिक्स स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब, ये है तुम्हारा फाइनल आंसर. ये क्वेश्चन मार्च 2018 पेपर का थ्री मार्क्स के लिए पूछा गया था. सो इफ एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस क्यूब टी वाई इज इक्वल्स टू ए साइन क्यूब टी देन शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू जो भी है. तो यहाँ पे पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ कॉस, तो एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस क्यूब टी, अब इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, तो डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, ऑफकोर्स वी विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ए कॉन्स्टेंट बाहर कॉस क्यूब टी का डेरिवेटिव थ्री कॉस स्क्वायर टी, राइट. एक्स क्यूब का डेरिवेटिव जैसे थ्री एक्स स्क्वायर होता है तो थ्री कॉस स्क्वायर टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस टी, तो कॉस टी का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन टी. वैसे ही वाई इज इक्वल्स टू है ए साइन क्यूब टी, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी होगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू ए कॉन्स्टेंट बाहर यहाँ पे थ्री टाइम्स साइन स्क्वायर टी इंटू साइन टी का डेरिवेटिव दैट इज कॉस टी. सो फाइनली देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स जो रहेगा वो रहे सॉरी डी वाई बाई डी एक्स होगा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी विच इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी हमारे पास ये देखो ये डी वाई बाई डी टी है तो डी वाई बाई डी टी होगा ए इंटू थ्री साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी अपॉन ए इंटू थ्री कॉस स्क्वायर टी इंटू माइनस साइन टी, राइट. अब यहाँ पे ये स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर और यहाँ पे साइन टी कट गया, यहाँ पे स्क्वायर इसका और ये कॉस टी कट गया और हमारे पास बचता है थ्री ये ए ए कैंसिल थ्री थ्री कैंसिल तो हमारे पास बचेगा माइनस टाइम्स साइन टी अपॉन कॉस टी, राइट. बट प्रॉब्लम ये है कि हमको जो आंसर लाना है वो लाना है वाई बाय एक्स के रूप में. अब ये कहाँ से लाएंगे, तो इधर ध्यान देने यहाँ पे x इज इक्वल्स टू ए कॉस क्यूब टी है y इज इक्वल्स टू ए साइन क्यूब टी है, करेक्ट. अब यहाँ पे से अगर हम ध्यान देंगे तो cos t की वैल्यू हो गई मेरे पास cos t इज इक्वल्स टू हो गया x बाय ए का क्यूब रूट और यहाँ पे साइन t हो गया y बाय ए का क्यूब रूट, राइट. और जैसे फिर हमने इसमें सब्सटीट्यूट कर दिया इधर इक्वल्स टू था, राइट. हाँ जैसे ही इसमें सब्सटीट्यूट किया तो साइन टी हो गया वाई बाय ए अपॉन एक्स बाय ए का क्यूब रूट वन बाय थ्री एंड यहाँ पे जो माइनस था वो कहाँ गायब हो गया पता नहीं, तो ये माइनस था इधर, राइट. ये वाला जो माइनस था वो इधर अपन डाल दिया, राइट. तो अब ये हो जाएगा हमारे पास ये ए वगैरह सब कैंसिल, ये ए कैंसिल ये एक्स सॉरी ए कैंसिल तो हमारे पास बच जाएगा वाई बाय एक्स रेस टू वन बाय थ्री विथ माइनस साइन जो इधर थी, राइट. यहाँ पे भी माइनस साइन निकाल दो तो हेंस प्रूफ्ड. ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में थ्री मार्क्स के लिए मार्च में. तो क्वेश्चन ये फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ फाइव एक्स प्लस वन अपॉन थ्री माइनस एक्स माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर.
अब देखो हमको dy बाई dx चाहिए, ऑब्वियसली इसको कॉम्प्लिकेटेड मेथड से करेंगे, मतलब वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर वगैरह वो सब करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसीलिए हमको tan इनवर्स के अंदर कुछ, या तो फिर देखो दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो फिर tan इनवर्स के अंदर cot या tan बनाओ, नहीं तो फिर ये फॉर्मूला हमको यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। बट सवाल ये उठता है कि ये फॉर्मेट कैसे बनाना, तो हमको प्रोडक्टिवली सोचना पड़ेगा कि ये फॉर्मेट कैसे बनाना है। अब देखो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ इसको tan इनवर्स ऑफ, ठीक है न्यूमरेटर अभी तक वैसे ही रखते हैं, 5x प्लस 1 अपॉन, अब यहाँ पे देखो 1 चाहिए राइट, इधर हमको फार्मूला बनाने के लिए 1 चाहिए, तो हम ये 1 ज़बरदस्ती ला लेंगे, और जैसे ही 1 लाया तो 3 को हम स्प्लिट करें तो प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 6x स्क्वायर, ये होने वाला है प्रॉब्लम, ऑब्वियसली यही मेथड रहेगी तो ही होगा, विच इज़ इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, ठीक है न्यूमरेटर वैसे ही रखेंगे अपन 5x प्लस 1 अपॉन। अब सवाल उठता है यहाँ पे x इंटू वाई है राइट, यहाँ पे a इंटू बी या जैसे भी है ऐसे कंसिडर करेंगे, न्यूमरेटर पे अभी हमको ध्यान नहीं देना, डिनोमिनेटर में x इंटू वाई है राइट, तो बेसिकली हमको इस चीज़ को फैक्टराइज़ करना पड़ेगा। अब इसको फैक्टराइज़ करने के लिए हमें जैसे पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमको 6x स्क्वायर पॉजिटिव बनाना चाहिए वैसे, तो 1 माइनस अपन कॉमन ले लेंगे और बचा रहेगा 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 करेक्ट। अब विच इज़ इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, अब देखना यहाँ पे न्यूमरेटर वैसे ही रहने देखें अपन 5x प्लस 1, अब डिनोमिनेटर को इसको फैक्टराइज़ कर लेंगे तो 1 माइनस, अब इसके फैक्टर्स जो गिरेंगे वो गिरेंगे 3x और प्लस कुछ तो भी और 2x माइनस कुछ तो भी राइट, ऐसे फैक्टर्स गिरेंगे, अब यहाँ पे 3x प्लस ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2x माइनस 1, तो ये तुम्हारे फैक्टर्स गिर गए। अब हमको भी पता है कि फार्मूला जो था अपना वो कैसा था, ऊपर चाहिए मतलब x प्लस वाई, सॉरी x क्या ये जस्ट ड्रॉप कर देता हूँ, हमारा जो फार्मूला था वो कैसा था, वो x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई, तो हमारा 1 माइनस एक्स वाई तो बन गया राइट, ये हमारा 1 माइनस एक्स वाई तो बन चुका है राइट, एक सेकेंड राइट, तो सवाल उठता है इस चीज़ का, तो ये 3x प्लस 2 और ये 2x माइनस 1, अब देखना ये है कि अगर हमने इन इन दोनों जो ये जो दोनों चीज़ें 1 और ये 2 इन दोनों को ऐड किया तो 5x प्लस 1 बनता है क्या, तो ऑफ कोर्स बनेगा, तभी ये प्रॉब्लम पूरा होगा, तो हम इसको स्प्लिट करेंगे 3x प्लस 2 और इसको लिखेंगे प्लस 2x माइनस 1, देखना न्यूमरेटर को अपन ने ऐसे स्प्लिट किया डिनोमिनेटर की वजह से, और जैसे ही अपन ने ये कर लिया तो ये इस फॉर्म में आएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई, और इसको अपन लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 3x प्लस 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x माइनस 1। अब ये हो गया y, तो dy बाई dx क्या होगा, हमको पता है tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो कि ऑब्वियसली हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस 12x प्लस 4 और ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 विच इज़ अल्टीमेटली 1 अपॉन, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5 प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन रहेगा।